वेलकम टू ढोलक लेसन 20 संगीत प्रवाह वर्ल्ड। आप संगीत प्रवाह वर्ल्ड के बैनर में काफ़ी लंबे समय से पिछले 19 एपिसोड तक ढोलक को सीखते आए हैं, जिसमें प्रारंभिक सारी चीज़ें हमने आपको सिखा दी हैं और ढोलक का वादन किस प्रकार होने लग जाए वो भी हम आपको बराबर सिखा रहे हैं। लयकारियाँ वगैरह ये सब चीज़ें हमने आपको दे दी। अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं है, ये हम कई बार कहते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहिए और सीखते रहिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। ये बहुत मूल मंत्र है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको बहुत सावधानी से लें। तो आइए अब इस ढोलक लेसन्स का जो अब तक हमने सीखा उसके बारे में पूरा जानकारी ले रहे हैं। मास्टर निषाद आपको जानकारी देंगे कि अब तक आपने जो सीखा वो क्या क्या था शॉर्ट में, और लयकारियाँ और कितने प्रकार की कैसे कैसे कर सकते हैं जो अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स में की है उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लें। और बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा आप सीखने का बचा नहीं है, अभ्यास करिए इन्हीं चीज़ों का। चलिए आइए मास्टर निषाद के पास चलते हैं। लयकारी से आप लोग जो भी अब तक समझते आ रहे हैं उसमें यह हुआ है कि लय में आप अपना कार्य कर रहे हैं, यानी कि कई प्रकार की लयें आप एक किसी लय में समावेश करके सम पे लाते हैं, यानी किसी भी ठाह में आप दूसरी कोई लय चलाते हैं। और कई प्रकार की लयकारियां आप सीख चुके हैं। लयकारी के एग्जांपल्स दो गुण, त्रिगुण, चौगुण, पांच गुण, ये सब लयकारी के एग्जाम्पल होते हैं। तो ऐसे करके आपने मान लीजिए अब तक कई तालें सीखी हैं, त्रिताल, दादरा, कहरवा, दीपचंदी, छपताल, सारी प्रचलित तालें हैं जो कि ढोलक में बजती हैं। जनरली ताले तो और भी हैं लेकिन ढोलक में बजने लायक, मतलब ढोलक के जैसी, क्योंकि ढोलक एक माना जाए तो लोकवाद्य है। तो जो लोक गायकी या लोक गायकी के होते हैं वही सारी तालें बजती है, मतलब त्रिताल, झपताल, एकताल, ये लोक गायन की नई तालें हैं। ताले तो ये भी हैं लेकिन ये ज्यादातर क्लासिकल में प्रयोग में आती हैं। तो जो ढोलक में जनरली जो ताले बजती, यानी कि आठ मात्रा, छह मात्रा, सात मात्रा, चौदह, यानी कि वही दादरा, कहरवा, रूपक, झपताल, तो इनमें आप अब तक लयकारी सीखते आ रहे हो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपने इनमें जो लयकारी सीखी है वो कहीं और यूज में नहीं आ सकती, कहीं और भी यूज में आ सकती है। गणित है, सीधी सी गणित है, आपको थोड़ा सा गणित लगानी है और वो आ जाएगी कि कहां अपने को कौन सी मात्रा तक सिंगल लेके आगे दुगुन या तिगुन, चौगुन, कुछ भी करके सम पकड़ना है। मेन बात तो यही आती है। तो अब तक आप जो सीखते आ रहे हो, कई गुरुओं से सीखते आ रहे हो हमारे थ्रू, तो उसमें आपने सीखा है कि उसी ताल में कोई दूसरी ताल का समावेश हो रहा है, जैसा कि पिछले एपिसोड में भी सीखा था, दूसरी ताल का समावेश है और दुगुन में लिया उस ताल को या चौगुन में लिया, है ना, कि जैसे तिन तिन ना, धा तिन ना, धा तिन ना, तिन तिन ना, ये आपने एक रूपक की सीखी थी कि तिन तिन ना, यहां तक तो सिंगल लिया, उसके बाद दादरा इसमें आपने समावेश किया है दादरा का, और दुगुन में धाधिन नाधा तिन ना, तिन तिन ना, धाधिन नाधा तिन ना, है ना। तो ये आपने कुछ नहीं किया था, सिर्फ दादरा की दुगुन इंसर्ट कर दी थी। ऐसी करके आप और भी लयकारियां कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं त्रिताल में एक तिहाई करता हूँ और झपताल उसमें ऐड करता हूँ, तो मैंने किया झपताल की दुगुन में धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, ये तो झपताल की दुगुन हो गई, तो पांच मात्रा में आ गई, और फिर मैंने धा बोल दिया बीच में, ऐड कर दिया, क्योंकि झपताल यानी दस दस दस, ये होती तीस मात्रा, है ना, और तीस प्लस मैं दो बार धा ऐड करूंगा, अगर तीन बार करता हूं तो ये तैंतीस मात्रा हो जाती है टोटल। तो यानी कि त्रिताल का दो आवर्तन बत्तीस मात्रा का होता है, सोलह और सोलह बत्तीस मात्रा, और तैंतीस पे सम आ जाएगा। तो अगर मैं ये सिंगल सिंगल लूं, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धा, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धा, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धा, ये बराबर सम पे आएगा आपका, ठीक है। तो आप इसे दो आवर्तन तक ना खींच के थोड़ा सा इसे और मतलब चमत्कार दिखाने के लिए या फिर थोड़ा सा स्पीड में बजा के, तो दुगुन में अगर इसको करते हैं तो ये और अच्छा लगेगा। धिन ना, हाँ हाँ, एक आवर्तन में आ जाएगा वो, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धा धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धा धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धा, है ना। तो ये थोड़ा सा ऑफ बीट में जाता है कि धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धा, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धा,
धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना धा। तो अब इसे कैसे बजाना है वो सब तो आप जानते हैं, बोल आपको पता है, ढोलक पे, तबले पे, कहीं पे भी आप बजा सकते हो, बोल आपको पता है, वजन आपको सीखना है कि कैसे आप दोनों तालों का समावेश कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही करके अगर हम सारी तालों की लयकारियां देखें, जैसे कि मैं बेसिक आठ गुण तक आपको सारी लयकारियां अभी बता देता हूं कि ठा से लेकर आठ गुण, ठा दो गुण, तिगुण, चौगुण, पांच गुण, छह गुण, सात गुण और आठ गुण। अगर हर ताल की करें तो जनरली जो हम हमारे वोकल के एपिसोड में भी सिखा चुके हैं, आप लोग अगर देखें तो एपिसोड 16 में तालों के बारे में ही है, संगीत प्रवाह वर्ल्ड एपिसोड 16 एपिसोड अगर आप लोग देखते हैं तो वो आपके भी काम का है, क्योंकि उसमें तालों का वर्णन है और उनकी लयकारियों के बारे में बताया है। तो वो अगर आप देखेंगे तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा रिलेटिंग लगेगा और आप जल्दी उसको पकड़ पाओगे, क्योंकि उसमें सारी तालों की लयकारियां बताई है आठ गुण तक लगभग, है ना। उसमें कैसे बताया, अगर हम मान लीजिए त्रिताल लेते हैं तो ये धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ये त्रिताल का एक आवर्तन था। अब अगर मैं इसकी दुगुण करता हूँ यानी कि दो गुना, एक मात्रा में दो बोल, है ना, तो आठ मात्रा में ही पूरी त्रिताल आ गई। अगर एक में दो है तो आठ में 16 हो जाएंगे और बाकी आठ में फिर से 16, तो 16 16 32 एक ही आवर्तन में, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अगर ऐसे ही मैं चार गुना करूं, एक मात्रा में चार बोल तो चार मात्रा में ही 16 बोल, 4 × 4 = 16 करिए साथ में, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, चौगुन बोली। ठीक है, अगर मैं अब इन चारों को एक साथ बोलूं तो लय अपन ये लेते हैं, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता, धिन धिन धा, दो गुना, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता, धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता, धिन धिन धा, चौगुना, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन धिन धा, धा तिन धिन ता, ता धिन धिन धा, धा तिन धिन धा, धा तिन धिन ता, ता धिन धिन धा, धा तिन धिन धा, धा तिन धिन धा, धा तिन धिन ता, ता धिन धिन धा, धा तिन धिन धा, धा तिन धिन धा, तिन धिन ता, ता धिन धिन धा, धा तिन धिन धा, धा तिन धिन ता, ता धिन धिन धा, धा तिन धिन धा, धा तिन धिन धा, धा तिन धिन ता, ता धिन धिन धा, धा तिन धिन धा, धा तिन धिन धा, धा तिन धिन ता, ता धिन धिन धा। तो अभी ये आपने देखा कि लास्ट में जो हमने करी थी वो थी अटगुन, धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, चार नीचे चार ऊपर। तो किसी भी ताल की आप लयकारी करते हो तो उसका यही ध्यान रखना है कि जो लयकारी आप कर रहे हो यानी कि ठा दुगुन चौगुन पांच गुन छह गुन जो भी कर रहे हो, उतनी मात्रा एक मात्रा में आ जानी चाहिए, यानी कि उतने बोल एक मात्रा में आ जाने चाहिए। अटगुन किया तो आठ बोल एक मात्रा में आए, ठीक है, और ये भी है कि वो पूरी की पूरी ताल आठ बार आ गई, है ना, यही हुआ कि पूरी त्रिताल जो थी हमने आठ बार बोली तो वो अटगुन हो गई। अब अगर सोचने वाली बात ये है, आप बाकी तालों के एग्जांपल अभी हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, बाकी तालों के एग्जांपल आप एपिसोड 16 में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ आती है कि अगर एक ही बार हमको ये लयकारी दिखानी हो तो क्या करेंगे,
मान लीजिए हमको अटगुन दिखानी है और हम 8 बार पूरी ताल ना बोल के हम एक ही बार कर दें, क्योंकि कई बार होता है जनरली हम कुछ बजा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कहरवा बजा रहे हैं, कहरवा गा रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ टुकड़ा लेना, मतलब एक छोटा सा पीस लेना और अटगुन में लेना, तो ऐसा तो नहीं कि पूरा जो पीस है हम उसको 8 बार बजाएंगे। ये तो पूरा का पूरा अगर हम नगमे के साथ लेते हैं या पूरा तालबद्ध करते हैं उसको, तो ये चीज़ आती है। लेकिन लाइट म्यूजिक में देखा जाए या फिर क्लासिकल में भी कई जगह, लेकिन लाइट म्यूजिक में अगर देखा जाए तो पूरा ना लेके थोड़ा सा लेके वापस आ जाते हैं, तो एक ही बार लेके उसको, तो वो कैसे करेंगे? अगर हम 2 गुना करते हैं तो 2 गुना आपने देखा 1 बार में 8 मात्रा में आ रहा था, ठीक है, तो 8 मात्रा तो हम सिंगल बोलेंगे और बची 8 मात्रा में हम दुगुन कर देंगे, है ना। ये आप अगर हमारी एक और प्लेलिस्ट चेक करें SPW लाइव, ये करके एक इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनमें एक वीडियो में ये चीज पूरी एक्सप्लेन करी गई है, लाइव क्लासेस में हमने ये चीज भी एक्सप्लेन करी है, तो उसको भी आप जरूर चेक कीजिएगा, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एपिसोड 16 का भी। तो जो चीज है 8 मात्रा तक हम सिंगल बोलेंगे, धा धेन धेन धा धा धेन धेन धा, अब दुगुन करनी है, धा धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा तेन तेन ता ता धेन धेन धा धा, है ना। ऐसे ही आप किसी दूसरी ताल की भी कर सकते हो, कहरवा की ले लीजिए, धा गे ना ती धा गे ना ती ना क धेन ना धा, दादरा के ले लीजिए, धा धेन ना धा धेन ना धा तेन ना धा, है ना। ऐसे ही करके जितनी भी ताले हैं उनकी आप ऐसे दुगुन चौगुन अटगुन कर सकते हो, बस ये देखना है कि स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप कि जो लयकारी हम दिखाने जा रहे हैं उसका एक भाग, यानी कि चौगुन है अगर तो उसका 1/4 भाग, यानी कि 1 बार चौगुन कितनी मात्रा में आती है, उतनी मात्रा को स्टेप 2 उतनी मात्रा को टोटल मात्रा में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। यानी कि अभी हमने त्रिताल का एग्जांपल लिया था और दुगुन कर रहे थे, दुगुन आ रही थी स्टेप 1 के अनुसार 8 मात्रा में, स्टेप 2 लिया अपन ने टोटल मात्रा में से उतनी मात्रा को माइनस किया, यानी 16 - 8 तो बचता है हमारे पास 8, और 8 मात्रा तक हमको सिंगल बोलनी है। फाइनल आंसर स्टेप 3 में यही आता है कि फाइनल आंसर जो आया उतनी मात्रा तक सिंगल, उसके बाद की मात्रा में जो भी लयकारी हम कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही करके अगर आप यहां देखें तो मैंने बेसिक जो 6 ताले हैं उनमें सारी लयकारियां दिखाई हैं। यहां से आप शुरू होते हैं तो यह है ताल दादरा। ताल दादरा में पहले देखिए हमने ठाह, फिर देखिए दुगुन, धा धेन ना। अब इसकी दुगुन आप देखो तो 3 मात्रा में आ जाती है, अगर यहां से करो धा धेन ना धा तिन ना, धा धेन ना धा तिन ना, तो ये 6 मात्रा में 2 बार आती, और अगर एक ही बार लेना था तो यहां से ले लिया धा धेन ना धा तिन ना, तो टोटल ये आई 3 मात्रा में, और उठान इसका यानी कि उठिए 4th मात्रा से। नीचे चलें चौगुन में देखिए एक बार आप, बाकी लयकारियां मैं बाद में दिखाऊंगा, चौगुन में देखिए तो धा धेन ना धा। यहां थोड़ी डिफिकल्टी नजर आ रही होगी आपको, ये 2 गैप क्यों लगा रखे हैं, तो अगर आप देखो तो यहां पे अगर आप देखते हो हाथ पे मेरे कि धा धेन ना धा तिन ना, है ना, धा धेन ना धा तिन ना, ये खत्म हो रही है आपकी 1, और नीचे के 2 ही भाग पूरे हो रहे हैं, ऊपर के 2 खाली जा रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है 1/2 में। कैसे, हमने जो लयकारी करी थी उतने में उसका भाग कर दिया, यानी कि 4 में, है ना, और वहां कितनी फिल हो गई है, 2 फिल हो गई थी, नीचे की 2 और ऊपर की 2 खाली थी, तो ये 2, ठीक है, तो ये 2/4 से उठ रहा है, हमने 4-4 के भाग कर दिए और 2 मात्रा छोड़ के। अगर आप इसे टोटल लिखते हो धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना, तिन ना यहाँ आता है और उसके बाद कॉमा लगा के पूरी ताल वापस आती है, इसलिए हमने वो उतनी मात्रा छोड़ के, यानी कि 4 3/4 से ये उठ रहा है, और 4 2/4 मात्राएं हमने छोड़ दी हैं और 3/4 से इसको उठा के ऐसे ले आए हैं। ऐसे ही अगर सारी लयकारियों को आप करके देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी लयकारी कितनी मात्रा से उठ रही है। अगर अभी हम दादरा को ही आपको करके दिखाएं तो देखिए यहाँ पे धा धेन ना धा तेन ना, अब इसकी दुगुन वो भी 1 आवर्तन वाली, तो कितनी छोड़नी है अपने को 3, धा धेन ना धा धेन ना धा तेन ना धा, ठीक है। फिर करते हैं इसकी तिगुन, तिगुन की जो चाल है वो ध्यान में रखनी है, 1 1, इसके लिए भी आपको एपिसोड 16 चेक करना पड़ेगा कि तिगुन कैसे होती है, 1
एक, अब दुगुन है एक दो, एक दो, एक नीचे आ रही है और एक ऊपर आ रही है, चौगुन है एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दो नीचे दो ऊपर, त्रिगुन का थोड़ा सा डिफरेंट है, एक नीचे एक बीच में और एक ऊपर, यानी कि एक दो तीन, एक दो तीन, बोलिए एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, इसका अभ्यास करिएगा तो त्रिगुन समझ जाएंगे। किसी भी त्रिगुन को रटने की जरूरत नहीं है कि मैंने इसको रट लिया कि इसमें धा दिन ना और धा तीन ना, ये तीन तीन बोला रहे, ऐसे नहीं, त्रिगुन का फॉर्मेट समझिए, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, बोल डालिए धा धिन ना धा तीन ना 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 धा, ठीक है। अब सिंगल करेंगे कहां तक, चार मात्रा तक, और लास्ट की दो मात्रा में इसकी त्रिगुण आएगी, धा धिन ना धा धा धिन ना धा तीन ना धा, ठीक है। अब अगर हम चौगुन करें, अब यहां बात आती है लिखने का, आप समझ गए कि कैसे लिखा गया है, बोलने का तरीका अब समझिएगा। फर्स्ट स्टेप लीजिए कि एक मात्रा को चार भाग में डिवाइड कीजिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब देखने वाली बात यह है कि दो मात्रा हम नीचे छोड़ रहे हैं और बाकी एक दो कर रहे हैं, ठीक है, और दो मात्रा टोटल ले रहे हैं ना, एक दो, ये दो मात्रा लिए, अब इनमें चार चार बांट दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो बोलो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। तो ये टोटल आठ हो रही है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार चार आठ हो रही है, और अपने को सिर्फ छह बोलनी है, तो माइनस टू, स्टार्टिंग की दो छोड़नी, यानी कि एक दो, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो, एक दो तीन चार पांच छह, और क्लियर करूं तो डैश डैश एक दो तीन चार पांच छह, डैश डैश एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। अब बात वहां आती है, डैश डैश बजेगा नहीं, ना बोला जाएगा, वो छोड़ना पड़ेगा आपको, तो इसका अभ्यास करना है कि पहले तो उसको बांट में बोल के देख लो कि एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, और फिर या तो डैश डैश करके देख लो, डैश डैश एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। अब उस डैश को छोड़ के एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, धा धिन ना धा डैश डैश एक दो तीन चार पांच छह, है ना, डैश डैश एक दो तीन चार पांच छह। अब उसको छोड़ो, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, तो ये इसकी चौगुन हो गई, धा धिन ना धा धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा धा धिन ना धा तिन ना धा, है ना। आप थोड़ी सी स्पीड में करोगे तो लगेगा हाँ कुछ बजा रहे हो, धा धिन ना धा एक दो धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा धा धिन ना धा तिन ना धा, लग रहा है थोड़ी आड़ी चाल जा रही, लेकिन है वो उसकी चौगुन ही, बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन उसको पेश करने का तरीका तरीका है कि चौगुन अपन एक आवर्तन कर रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ कुछ बज रहा है अलग सा, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन आठ गुन करेंगे तो आठ गुन में भी यही रहेगा, पहले आठ गुन का वजन लीजिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। तो जब अपन यहां देखा जाए तो दादरा की जब आठ गुन कर रहे हो तो आप देखो इधर दो मात्रा छोड़नी पड़ रही है, वो दो भी नहीं है, है ना, पॉइंट टू समझ लीजिए उसको, तो धा धिन ना धा तिन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, धा धिन ना धा तिन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यहां आठ हो रही है तो दो छोड़ के एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, डैश डैश एक दो तीन चार पांच छह, डैश डैश एक दो तीन चार पांच छह, डैश डैश धा दिन ना धा तिन ना, डैश डैश धा दिन ना धा तिन ना, तो ये किस प्रकार से गिना जाएगा, डैश डैश धा दिन ना धा तिन ना, धा दिन ना धा तिन ना, धा दिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन डैश डैश एक दो तीन चार पांच छह धा, है ना, इस प्रकार से गया तो एक डैश डैश धा दिन ना धा तिन ना धा,
धाधे ना धाते ना धा, धाधे ना धाते ना धा, है ना, इस प्रकार से गया। तो एक बार आप इधर देखें मेरी कॉपी में, आप देख लीजिए कि मैंने हर ताल की लयकारी कैसे करी है। आप इसको टोटल लिख के देखिएगा, फिर आप समझ जाओगे। ये दादरा है, ताल दादरा की ठाह, दुगुन आप पॉज कर करके लिख लीजिए भले, तिगुन, चौगुन, पाँच गुन, छः गुन, सात गुन, और ये है आठ गुन। ऐसे ही करके आप देख लीजिए, ये समझ लीजिए उठान यानी कि कौन सी मात्रा से उठ रहा है, पाँच तीन बटा आठ से। आठ आप समझ गए होंगे कि आठ में हमने इसको बांटा है, और तीन यानी कि उसमें तीसरी मात्रा से उठ रहा है, एक दो और तीसरी से। और टोटल ये छः बटा आठ में कैसे आ रहा है कि टोटल आठ है ये, तो नीचे आठ हो गया, और छः यानी कि उन आठ में से छः को ये कवर कर रहा है। आगे आप देख लीजिए रूपक ताल है, यहाँ से आप धीरे धीरे पॉज कर करके लिख लीजिए इसको। जो भी लयकारी है उसको बोलने का तरीका वही रहेगा कि पहले उसको उतनी लयकारी के वजन में बोल लीजिए, और उसके बाद उसमें से जितनी छोड़नी है आपको उतनी छोड़ के आप बोलिएगा। अब ये बोलने में भी आ सकता है, बजाने में भी सेम ही रहेगा। बजाने में आपको बोल पता ही है कैसे बजेंगे, बस तरीका अगर आपको जानना है तो बस इतना सा कि कौन सी मात्रा से उठाना है और कब उठाना है। ये रूपक के सात गुण है, धीरे धीरे आप नीचे उतर के देख सकते हो। यहाँ से कहरवा शुरू हो गई है, ताल कहरवा, बोल आपके सामने। अगर पांच गुण है तो पांच गुना लय में बोलेंगे, और फिर जितना गैप छोड़ना है उतना गैप छोड़ेंगे। छह गुना है तो छह गुन के वजन में एक बार देखेंगे कि एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर जितनी छोड़नी है कि एक दो तीन चार, एक दो, एक दो तीन चार, एक दो। वो बोल वजन उतना का छः का ही है, लेकिन मात्रा कितनी छोड़नी है वो डिपेंड करता है। अब देखिए ताल झपताल आ गई है, यहाँ से छः तालें हमने आपको सिखाई हैं, छः मात्रा, सात मात्रा, आठ मात्रा, दस मात्रा, बारह मात्रा और सोलह मात्रा, यानी कि दादरा, रूपक, कहरवा, झपताल, एक ताल और त्रिताल। ये झपताल की चौगुन है, आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको आराम से लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। फिर अगर इसको बोलने में या कुछ समस्या आ रही है तो पहले आप ट्राई करिए, और फिर भी ना आए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9828479211। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना ऑडियो रिकॉर्ड करो, अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, हमें सेंड करो कि हमने इस तरह से इसको बोलने का ट्राई किया है। फिर भी अगर आपसे ना आए तो हमको पूछिए, और कोई समस्या आती है तो कि कैसे बोला जाएगा। अब यहाँ से ताल एक ताल शुरू हो गई है, बोल आपके सामने है। विभिन्न तालों को अलग अलग लयकारियों में करने से आपका अभ्यास बढ़ जाएगा। ये इसके बोल हैं, ये इसकी दुगुन है, यहाँ आइए अब इसकी तिगुन है। कौन सी मात्रा से उठ रहा है, कितनी मात्रा में आ रहा है, वो सब का ध्यान रखना है आपको। इसको आप बोल भी सकते हो, इसको आप बजा भी सकते हो, बजाने का तरीका आपको मालूम है सबको। अब आगे के एपिसोड्स में हम हर बार नई नई लयकारियाँ नहीं देंगे, अब हम आगे के एपिसोड्स में सिर्फ इतना करेंगे कि कितने भी जितने भी अच्छे कलाकार हैं यहाँ हमारे हमारे शहर में या फिर और दूसरे शहरों से बुलाएंगे आप लोगों के लिए, और उनकी प्रस्तुति करवाएंगे। आगे आपको बस इतना सा है कि परफॉर्मेंस कैसे देते हैं ये सीखना है आपको, कलाकार वाला ढंग, उनका उनका अंदाज बजाने का, उनके अलग अलग तरीके, अलग अलग तरीक़ों से जो बजता है वो अब आपको देखना है और सीखना है। अब ऐसा आपको एक्सपीरियंस लेना है बस, और सिखाने का जितना था हमने सिखा दिया। ढोलक में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जितनी भी लग्गी लड़ियाँ सारी चीज़ें होती हैं वो सब हम आपको सिखा ही चुके हैं। ढोलक एक ऐसा वाद्य है जिसमें ज़्यादा चीज़ें हम कवर नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि उपज है जितनी आपकी उतना आप बजा सकते हो। जैसे कि तबला हो गया, वो तो शास्त्रीय वाद्य है, उसका कोर्स होता है पूरा, कायदे, पलटे, रेले, पेशकार, है ना, लग्गी लड़ियाँ उसमें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परण, है ना, फरमाइशी, चक्करदार, ये सब होता है उसमें। तो वो सब आप हमारी दूसरी प्लेलिस्ट के थ्रू भी सीख सकते हो, और अगर आप ढोलक सीख रहे हो तो आपके लिए तबला सीखना बहुत अच्छी बात है, आपका हाथ सुधर जाएगा।
कि जब एक तबले वाले का हाथ ढोलक पे चलेगा तो कितनी शुद्धता से और लयकारी आप और अच्छी दिखा पाओगे। तो इस एपिसोड में हमने जितना बताया उनका आप अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि अभ्यास के बिना ये चीज़ संभव नहीं है। ये चीज़ तो क्या, संगीत में कुछ भी संभव नहीं है अभ्यास के बिना। जितना आप अभ्यास करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? तो आप सीखते रहिए, ऐसे ही सीखो, और हमारी दूसरी प्लेलिस्ट से भी आप सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारी लिंक्स मिल जाएंगी ताल की, लय सीखने की, और SPW लाइव की जो मैं बात कर रहा हूँ उस सीरीज से अब आप जुड़ जाओ तो आपके लिए और बेटर है, क्योंकि हर फील्ड का ज्ञान वहाँ आपको मिलेगा, गायन वादन नृत्य तीनों का, उसमें हर विषय, ढोलक तबला गिटार सितार वॉयलिन फ्लूट संतूर, जो भी सब्जेक्ट हम संगीत प्रवाह वर्ल्ड के चैनल पे सिखा रहे हैं वो सब उसमें अवेलेबल है। तो उस प्लेलिस्ट से अब आप जल्दी से जल्द जुड़ जाइए और सीखते रहिए और अभ्यास करते रहिए।